लाखों चीखों के बीच हजारों मौत। ऐसा ही मंजर होता है जब भूकंप आता है। प्रकृति की इस मार को भारत भी कई बार झेल चुका है, और आज हम भारत में हुए 5 सबसे भयंकर भूकंप के बारे में जानेंगे। नंबर 5, कांगड़ा। 4 अप्रैल 1905 सुबह 6 बजे का वक्त था जब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आए भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये भूकंप कितना खतरनाक था इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसकी वजह से करीब 1,00,000 घर तबाह हुए थे, साथ ही करीब 20,000 लोगों की जान चली गई थी। अगर बात करें इसकी तीव्रता की तो वो करीब 60.8 थी, और इस भूकंप का केंद्र हिमाचल में था। हालांकि कहा यह भी जाता है कि मौत के आंकड़े झूठे हैं, बल्कि आंकड़ों से ज़्यादा लोग मारे गए थे। नंबर 4, गुजरात। गुजरात इस समय देश के कुछ चुनिंदा खास राज्यों में से एक है, लेकिन साल 2001 में 26 जनवरी को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा था, उस समय गुजरात को प्रकृति का एक ऐसा झटका मिला जिसने पूरे देश की खुशी को उदासी में बदल दिया, क्योंकि इस भूकंप की वजह से करीब 20,000 लोग अपनी जान गंवा चुके थे, और इस भूकंप की तीव्रता 7.7 थी। ये भूकंप इतना खतरनाक था कि गुजरात को इससे संभलने में 6 महीने लग गए। नंबर 3, बिहार। 15 जनवरी 1934 का भूकंप बिहार और पूरे भारत के लिए बहुत भयावह था, क्योंकि इस भूकंप की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और लाखों लोग बेघर हो गए। और वाकई इस भूकंप की तीव्रता 8.7 थी, जिसका केंद्र माउंट एवरेस्ट के दक्षिण हिस्से में था। नंबर 2, कश्मीर। 8 अक्टूबर 2005 के दिन भारत के कश्मीर में हिंदुस्तान के इतिहास का एक ऐसा खतरनाक भूकंप आया था जिसकी वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ, इस भूकंप के कारण करीब 1,30,000 लोगों की सांसें थम गई, और इस भूकंप की तीव्रता 7.6 थी। हालांकि इसका केंद्र पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में था, लेकिन यह भूकंप इतना खतरनाक था कि यह सिर्फ पाकिस्तान और भारत तक सिमट कर नहीं रहा, बल्कि इसके झटके चीन, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान में भी महसूस किए गए थे। नंबर 1, हिंद महासागर। साल 2004, 26 दिसंबर के दिन भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स और सोमालिया में कुछ भी सही नहीं था, क्योंकि इस दिन सुबह करीब 9 बजे इन सभी देशों में 9.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, और यह भूकंप इतना खतरनाक था कि इसके कारण सभी देशों के 2,84,000 लोगों ने जान गंवा दी। तो आपको हमारी ये खास पेशकश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जनहित टाइम्स।